Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. विदेल ने अपने बुरे दौर को याद करते हुए कहा, मैं शराब पीने लगा था और मेरे बच्चे भी मुझसे पूछा करते थे कि मैं काम पर क्यों नहीं जा रहा। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने लंबे समय के बाद सलमान खान की फिल्म रेस 3 से धमाकेदार वापसी की थी। इस फिल्म में उनके एक्टिंग को देखने के बाद मेकर्स ने उन्हें हाउसफुल 4 में अहम रोल के लिए कास्ट किया। लेकिन इसी समय पहले एक ऐसा भी समय था जब बॉबी देओल के पास कोई काम नहीं था। 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में देने वाले बॉबी देओल गुमनामी शहर में खो गए थे। इन्हीं दिनों को याद करते हुए बॉबी देओल ने बताया कि एक समय वो अल्कोहलिक हो गए थे और उनके बच्चे भी उनसे पूछा करते थे कि वो काम पर क्यों नहीं जा रहे। पिंक विला से बात करते हुए बॉबी देओल ने बताया, मुझे ऑफर मिल रहे थे मगर वो फिल्म मेरे टाइप की नहीं थी। मैंने एक खास तरह की फिल्म चुनी लेकिन वो नहीं चली, इससे मेरा करियर पीछे छूटने लगा था। मैंने बस हार मान ही ली थी क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तब कोई पीआर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। इन फिल्में देने के बावजूद मैंने देखा कि मुझे नए चेहरे के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। हाँ, मुझे काम नहीं मिल रहा था, मुझे लगने लगा था कि सब खत्म हो गया है। मैंने अपने परिवार का कमाऊ सदस्य कैसे बनूंगा, इस बारे में सोच सोच कर मैं डरता रहता था और वो डर ज़रूरी भी है। उन्होंने आगे बताया, जब मैं ये फिल्में कर रहा था तब मैं शराब के नशे में था, जो सबसे बुरी चीज़ है आप खुद भी करते हो। मेरे परिवार ने मेरी आंखों में इस तरह का दुख देखा था। वे सभी चिंतित थे और सोच रहे थे कि बॉबी इन चीज़ों से बाहर कैसे आएगा। मेरे बच्चे मेरी पत्नी से पूछते थे, पापा काम पर क्यों नहीं जाते। लेकिन एक दिन मैं इन चीज़ों से बाहर निकला, फिर मैंने निर्माताओं से मिलना शुरू किया, लेकिन वो मुझ में काम की भूख देख पाए और उन्होंने मुझे काम देना शुरू कर दिया। उस समय सलमान खान, जिन्हें मैं प्यार से मामू कहता हूँ, उन्होंने मुझे सलाह दी थी। उन्होंने कहा, मैंने अपने बुरे दौर में आपके भाई सनी और संजय दत्त के कंधों का सहारा लिया था। आपको दूसरे अभिनेता के साथ भी फिल्में करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसे गंभीरता से लिया।